हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आपको पार्ट 3 पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है राष्ट्रीय एकता। भारत प्रभुता संपन्न स्वतंत्र राष्ट्र है। राष्ट्र की एकता की पहचान है उसका संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय चिन्ह, जिन्हें उस राष्ट्र की सारी जनता स्वीकार करती है। भारत का अपना संविधान है, अपना राष्ट्रीय ध्वज है, अपना राष्ट्रीय गान है और अपना राष्ट्रीय चिन्ह है। राष्ट्रपति यहाँ का सर्वोच्च शासक है। ये भारत की राष्ट्रीय एकता की मोटी सी पहचान है। मतलब राष्ट्रीय एकता, हमारे राष्ट्र की जो एकता है वो बहुत ही मजबूत है। जैसे कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, यहाँ का संविधान उसका अपना है, राष्ट्रीय ध्वज उसका अपना है, राष्ट्रीय गान उसका अपना है, राष्ट्रीय चिन्ह उसका अपना है। यहाँ किसी दूसरे देश का चिन्ह या राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय ध्वज नहीं गाया जाता। यहाँ भारत का ही अपना गान है, अपना राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय चिन्ह, अपना संविधान और अपना चिन्ह सभी कुछ यहीं का है, जो जनता ने स्वीकार किया है। यहाँ का जो राष्ट्रपति होता है वो सबसे बड़ा शासक होता है, वो देश को संभालता है। भारत का अतीत बड़ा गौरवशाली रहा है। आर्य और द्रविड़ संस्कृतियाँ यहाँ साथ साथ रहीं। संस्कृत और तमिल विश्व की प्राचीनतम भाषाएँ यहाँ आज भी जीवित हैं। वैदिक धर्म यहाँ का प्राचीनतम धर्म है। हमारी समृद्धि ने सदा ही विदेशियों को लुभाया है। शक और हूर यहाँ आए जो नहीं लौटे, वे यहाँ के धर्म में घुल मिल गए। बाद में तुर्क, पठान, अरब लोग आए, कुछ तो लूटपाट मचाकर चलते बने, पर उनकी अगली पीढ़ियाँ भारतीय बनकर रह गईं। मतलब कि भारत का जो अतीत मतलब हमारा पास्ट, जो पिछला समय था, वो बहुत ही गौरवशाली रहा है, उसमें बहुत ही गर्व रहा है। आर्य और द्रविड़ संस्कृतियाँ यहाँ साथ साथ रही हैं। यहाँ पे संस्कृत और तमिल भाषाएं जो हैं वो प्राचीनतम मतलब पुरानी भाषाएं आज भी यहाँ पर बोली जाती हैं। वैदिक धर्म यहाँ का प्राचीनतम धर्म था और हमारी समृद्धि है मतलब हमारी जो उन्नति है वो हमेशा विदेशियों को लुभाया है उसने। शक और हूर यहाँ आए थे जो कभी नहीं लौटे, भारत में ही रह गए। वे यहाँ अपने धर्म को और बढ़ाकर घुल मिल धर्म को लाकर और दूसरे धर्मों में मिलजुल गए। बाद में यहाँ पे तुर्क के लोग, पठान और अरब लोग आए, कुछ तो लूटपाट मचाकर चलते बने। यहाँ तुर्क, पठान, अरब लोग आए और कुछ तो बाहर के लोग, जो विदेशी लोग आए थे, वो यहाँ लूटपाट मचाकर झगड़ा उगड़ा करके यहाँ से चले गए। लेकिन कुछ की जो अगली पीढ़ियाँ थी, जो आने वाली पीढ़ियाँ थी, वो यहाँ भारतीय बनकर रह गई। वे अपने इस्लाम धर्म का बोरोक टोक पालन करते रहे। उनके बाद अंग्रेज़ आए, उनका धर्म भी फला फूला, पर ईसाई धर्म को मानने वाले भी मूलतः भारतीय ही हैं। हमने सिद्ध किया है कि भिन्न मत या धर्म एक ईश्वर की ओर ले जाने वाले भिन्न भिन्न रास्ते हैं। ईश्वर एक ही है, एक ही देश भी है भारत। मज़हब बदलते रहते हैं, कौमें नहीं। भारतीयों के धर्म भिन्न हो सकते हैं, फिर भी वे हैं तो भारतीय। भारत हमारी मातृभूमि है, हमारा राष्ट्र है, हमारी सामूहिक पहचान है। मतलब कि जब बाद में उसके बाद अंग्रेज़ जब आए, इस्लाम धर्म भी यहाँ पर आकर रुक गया, फलने फूलने लगा। उसके बाद अंग्रेज़ जब यहाँ पर आए, वो भी फले फूले, अपने ईसाई धर्म को भी उन्होंने यहाँ फैलाया। उन्होंने और भी हमने ये सिद्ध कर दिया, भारतीयों ने ये सिद्ध कर दिया कि यहाँ पे धर्म भले ही अलग अलग हों, लेकिन हमारे ईश्वर की ओर ले जाने वाले रास्ते ईश्वर एक ही है और उसकी ओर ले जाने वाले रास्ते भिन्न भिन्न हैं। ईश्वर एक है, इसी तरह जिस तरह ईश्वर एक है, उसी तरह भारत भी एक है। मज़हब यहाँ अलग अलग हैं लेकिन कौमें नहीं। मतलब कि जो भारतीय हैं वो भारतीय ही हैं। भारतीयों के धर्म भिन्न हो सकते हैं लेकिन उनको हम कहते हैं भारतीय हैं। भारत हमारी मातृभूमि है, हमारा राष्ट्र है, हमारी सामूहिकता की पहचान है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक भारत एक है। इसके चारों कोनों में बसे तीर्थ एक इस एकता की कड़ियां हैं। उत्तर में बद्रीनाथ, केदारनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम और कन्याकुमारी, पश्चिम में द्वारका, पुरी, सोमनाथ और तथा पूर्व में कामाख्या, जगन्नाथपुरी और गंगा सागर हमारी सांस्कृतिक एकता की प्रतीक है। इस प्रकार जगह जगह बने गुरुद्वारे, देवी मंदिर, जैन मंदिर, बौद्ध मठ, मस्जिद और दरगाहें तथा गिरजाघर मिली जुली भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। भारत की नदियाँ और उन पर बसे तीर्थ स्थान संस्कृति की एकता के सूचक भी हैं। मतलब ये बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में कि भारत में जितने भी अलग अलग कोने हैं, दिशाएँ हैं, उन सारी दिशाओं में सभी मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों के कुछ ना कुछ अंश मिलते हैं। कुछ ना कुछ गुरुद्वारे हर कोने पर, कहीं ना कहीं गुरुद्वारे, मस्जिद, मंदिर, बौद्ध मठ, जैन मंदिर, सभी चीज़ें बनी हुई हैं, जिससे कि हमारी संस्कृति का, ये सारी हमारी संस्कृति को एक दूसरे से जोड़ते हैं। हर स्थान पर तीर्थ, हर नदी और भारत की नदी के उन पर बसे तीर्थ स्थान सांस्कृतिक एकता के प्रतीक हैं। यूँ तो भारत में 200 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। कहीं रेगिस्तान है तो कहीं बर्फ से ढकी चोटियाँ,
खान पान वस्त्र रिवाजों में भी भिन्नता दिखाई पड़ती है। कहने को धर्म भी बहुत से हैं, इसलिए कुछ लोग कह देते हैं भारत में तो भिन्नता है, वो एक देश नहीं है। ऐसा कहने वाले हमारे भीतरी एकता को भूल जाते हैं। यदि ऐसा होता तो संकट की घड़ी में हम एक ना हो पाते, आज़ादी के लिए मिलकर संघर्ष ना कर पाते और एक संविधान स्वीकार ना कर पाते। चूँकि हम ऐसा कर पाए इसलिए बाहरी भिन्नताओं के रहते भी हम एक हैं। मतलब यूँ तो कहा गया हमारे भारत में दो स्वभाषाएँ बोली जाती हैं। कहीं हमारा भारत में कहीं रेगिस्तान है तो कहीं बर्फ़ की चोटियाँ भी हैं, और हर इलाके का अलग अलग खान पीन वस्त्र रिवाज अलग अलग हैं। कहने को धर्म भी बहुत से हैं, मगर कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि भारत एक देश नहीं है, यहाँ तो अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, भिन्न 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 लोग रहते हैं। ऐसा कहने वाले जो है वो हमारी भारतीय एकता को भूल जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमारे दिल से हम सब भारतीय हैं। कभी भी कोई भी हमारे भारत पर संकट पड़ता है तो हम सब एक हो जाते हैं। अगर एक ना होते तो आज़ादी की लड़ाई में हम एक होकर संघर्ष ना कर पाते और ना ही हमें आज़ादी मिल पाती। और जब आज़ादी के बाद हमारा संविधान बना तो ना हम उस संविधान को स्वीकार कर पाते। लेकिन ये सब हमारे अलग अलग जाति धर्म के होते हुए भी हम सब ने एक होकर संघर्ष किया तो हमें आज़ादी मिल पाई है। पुराने ज़माने से ही लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहे, कभी तीर्थ यात्रा के लिए, कभी व्यापार के लिए, कभी आजीविका के लिए। इसमें किसी को कभी भाषा की कठिनाई नहीं हुई। दक्षिण का इडली डोसा उत्तर में बड़े प्रेम से खाया जाता है और उत्तर की चपाती दक्षिण में। कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथकली और उड़ीसी नृत्य पर पूरे भारत में आदर होता है। हिंदी फिल्में पूरे देश में बड़े चाव से देखी जाती हैं। हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत की आत्मा एक है। संस्कृत और संस्कृत ग्रंथों का सर्वत्र आदर होता है। नृत्य संगीत और संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृति के और राष्ट्रीयता के प्रमुख स्तंभ है। मतलब कि पुराने ज़माने में लोग एक दूसरी जगह आते जाते थे, कभी तीर्थ यात्रा के लिए, कभी व्यापार के लिए, कभी आजीविका के लिए, जो अभी भी लोग करते हैं। इसमें भाषा की बहुत कठिनाई होती थी, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे की भाषा को समझते थे, अपनी भाषा को दूसरों को समझाते भी थे। जिस तरह हमारे देश में दक्षिण में जो इडली डोसा दक्षिण का फेमस है, वो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ही चाव से खाया जाता है। जो चीज़ें जहाँ की भी फेमस हैं, वो हमारे पूरे भारत में दूसरे शहरों में भी बहुत ही उनका आदर और सम्मान किया जाता है और उनको बहुत ही चाव से खाया पिया भी जाता है चीज़ों को। भारत एक प्रजातंत्र देश है। यहाँ प्रजा द्वारा चुने प्रतिनिधि ही संविधान के आदेश अनुसार राजकाज चलाते हैं। ये प्रजातंत्र शासन प्रणाली राष्ट्रीयता को पुष्ट करने के लिए ही स्वीकार की गई है। सबको सब कुछ कहने और करने की स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता का अनुचित लाभ उठाकर कुछ स्वार्थी एवं देशद्रोही तत्व राष्ट्रीय एकता पर चोट करते हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सबको अपना अपना पालन करने की स्वतंत्रता है। सब धर्मों के प्रति संभाव है, परंतु स्वार्थी लोग साधारण सी बातों पर ही यहाँ झगड़े खड़े कर देते हैं। यहाँ तक कि एक ही धर्म के दो संप्रदायों के लोग आपस में झगड़ने लगते हैं। एक बार झगड़ा शुरू हुआ क्या सामाजिक तत्वों की आबनती है, राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एकता में दरार पड़ जाती है। इन बातों को सोच समझ कर राष्ट्रीय एकता की रक्षा करना प्रत्येक भारतवासी का पवित्र कर्तव्य है। मतलब ये है कि यहाँ के लोग जो है कुछ लोग यहाँ का देश प्रजातंत्र देश है। मतलब यहाँ पर जब कोई भी नेता राष्ट्रीय नेता चुने जाते हैं तो वो हमारे संविधान के अनुसार प्रजा चुनती है और उसी के हमारे संविधान के अनुसार ही वो राजकाज चलाते हैं। ये प्रजातंत्र प्रशासन प्रणाली राष्ट्र को पुष्ट करने, मतलब राष्ट्र को मजबूत रखने के लिए स्वीकार की गई है। लेकिन कुछ कहने और करने की स्वतंत्रता, सबको यहाँ पर सब कुछ करने की स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता का कुछ लोग बहुत गलत लाभ उठाते हैं। कुछ देशद्रोही जो है वो राष्ट्रीय एकता पर चोट करते हैं। धर्म निरपेक्ष देश है, लेकिन यहाँ पर सब अपने अपने धर्म को स्वतंत्रता से मानते भी हैं। सभी धर्मों के प्रति संभाव भी है, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग जो है वो साधारण सी बातों पर झगड़े खड़े कर देते हैं। एक संप्रदाय के लोग ही आपस में झगड़ने लगते हैं और इससे क्या होता है, जो हमारा समाज है वो उसमें कमियाँ आने लगती हैं और राष्ट्रीय एकता में दरार पड़ जाती है। इन्हीं बातों को सोच समझ कर राष्ट्रीय एकता की रक्षा करने में हर भारतवासी का साथ होना चाहिए। तब भारतीय एकता में बांधा कहाँ है? बांधा है तो यही कि कुछ लोगों के दिलों में राष्ट्रीय भावना की कमी है। प्रत्येक भारतीय, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या ईसाई, पारसी या सिख, पहले भारतीय बाद में कुछ और है, क्योंकि सभी भारतवासी हैं। प्रत्येक भारतवासी सिर उठाकर गर्व से कहें कि मैं भारतीय हूँ और मुझे इसका गर्व है, तब निसंदेह राष्ट्रीय एकता पुष्ट होगी। राष्ट्र पुष्ट होगा और आम जनता भी पुष्ट होगी।